दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय GNA। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली के विकास कार्यों का खाका तैयार करने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक का आयोजन किया। हरोली के घालोवाल विश्राम गृह में आयोजित बैठक के दौरान विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत होने वाले तमाम विकास कार्यों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास के जिन कार्यों को आज तक शुरू नहीं किया गया, उन्हें मौजूदा सरकार पूरा करके जनता को समर्पित करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विकास को लेकर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार है और भाजपा को केवल ये मंथन करना चाहिए कि जनता ने उन्हें सत्ता से क्यों बेदखल किया है। नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रोड मैप है, हरोली विधानसभा का रोड मैप तय किया जा रहा है, हाउ टू प्रोसीड फर्दर और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और उनके क्या फाइनेंशियल स्टेटस हैं या सेंक्शंस की क्या स्थिति है, लैंड की क्या स्थिति है, तो उन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है अधिकारियों के साथ और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर्स के साथ बोथ वे जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है विकास कार्य जो वो ठप पड़े हैं और सरकार का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा है कि जो जहाँ तक विकास का सवाल है, कल्याण का सवाल है, गरीब की सेवा का सवाल है, ये हमारी गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट एजेंडा है और जिन लोगों को अभी 6 महीने पहले ही लोगों ने सत्ता से बाहर किया है तो उनको अभी जो है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, शांति बना के रखनी चाहिए और इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर उनको क्यों बाहर किया गया है। बाकी जहाँ तक हमारा सवाल है, विकास की जो मंजिलें जो हैं, जब यहाँ पे कायम होगी तो इनसे देखी नहीं जाएंगी। ये इनको बता देते हैं कि जो एजेंडा चल रहा है पूरे प्रदेश में और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर और एक हरोली तो पहले से मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर हम लगातार 5 बार जीते हैं तो उसकी कोई वजह होगी, उसकी मेन मुख्य वजह ही डेवलपमेंट है और सारी जगह प्रशासन के, सारी जगह एडमिनिस्ट्रेशन के तार पूरी तरह खींच दिए गए हैं। अब हमारा सीधा एक ही मतलब है कि जो काम कभी भी नहीं हुए वो काम हम निर्णायक परिणति तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो इसलिए मूल्यांकन हो रहा है और तस्वीर सबके सामने आ जाएगी। जिन्होंने रोना है वो रोते रहेंगे, बाकी दुनिया खिलखिला के हंसेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.